धर्मशाला में सोमवार को सातवें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर दाहीगोड़ा हनुमान मंदिर के समीप भाजपा नेत्री माला डे के नेतृत्व में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर बुनकर दीदी कौशल्या को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं के बीच मिठाइयां बांटी गई। इस मौके पर श्रीमती माला डे ने कहा कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हथकरघा उद्योग के महत्व एवं आम तौर पर देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि देश भर के विभिन्न शहरों में इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें हथकरघा उद्योग के प्रति जागरूकता लाने के अलावा बुनकरों को सम्मानित किया जा रहा है। इस दौरान खादी और हथकरघा उद्योग के लिए चल रही सरकारी योजनाओं से भी लोगों को अवगत कराया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सके। इस मौके पर मीना मुखर्जी, शिवानी दे, पूर्णिमा मुजमदार, अर्चना सीट, मंजू मुजमदार शोभा सीट, ममता सिंह, ज्योत्सना नायक भारती सीट, ललित हेमरेम, मंजू मुर्मू, ज्योति दे समेत काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। पवित्र श्रावण महीने के पांचवे सोमवार पर माओ भंडार के शिव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में पूरे भक्ति भाव से हर हर महादेव के नारों के साथ जलाभिषेक किया गया। जलाभिषेक के लिए सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। शाम को आयोजित संध्या आरती में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत किया। आरती के बाद लोगों के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। भीड़ को देखते हुए शिव मंदिर कमेटी के महासचिव सिंह ने भक्तों का आभार प्रकट किया और कहा कि दिन प्रतिदिन मोहंडा शिव मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ देखी जा रही है। सभी भक्तों द्वारा सुनियोजित तरीके से जलाभिषेक किया जा रहा है। नवल सिंह ने कमेटी के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि कमेटी के सदस्य का हर कार्यक्रम में काफी योगदान रहता है। इस मौके पर मुख्य रूप से श्रवण कुमार झा, राजीव सोम, वीरेंद्र नारायण सिंह देव, विद्युत मुजमदार, प्रकाश जायसवाल, प्रदीप शाह, हरेश्वर सिंह, कन्हैया शर्मा, विजय शर्मा, ईश्वरी प्रसाद पुरोहित, उमेश पांडे, अभिषेक पांडे, अभय पांडे, कन्हैया पांडे समेत काफी संख्या में कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। भगवान की जय।